उसका धमकी पात्र मत कीजिए, ये मत कीजिए, शांत हो कीजिए दर्शन, जो किया ना उसका मैं जवाब दूंगा। जिनको हमारे गप्पू भैया हैं, गप्पू भैया की बात सुन लीजिए, गप्पू भैया कितनी मेहनत, आप मत कीजिए और कहिए कि ये लोग उस पर नहीं बोल रहे हैं, कोई क्यों बोलेगा, नड्डा जी जाएंगे क्या लखीमपुर खीरी। आज की वीडियो में बात संबित पात्रा की करते हैं। संबित अक्सर डिबेट्स में विपक्ष पर टिप्पणी करते नजर आते हैं, पर अब विपक्षी नेता भी संबित की टिप्पणी पर करारा जवाब देने लगे हैं। न्यूज 18 पर सावरकर के मुद्दे पर हुई डिबेट में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से एंकर ने सवाल किया, जिस पर उन्होंने संबित को गप्पू बताया। इसके बाद दोनों के बीच बहस देखने को मिली। आपका ज्ञान सावरकर के बारे में क्या कहता है अनुराग भदौरिया, आपके बिटारे में क्या है? देखिए मेरा ज्ञान तो देखा आपने, जिस तरह से संबित पात्रा की आपने बात टूटी है, जिनको हमारे गप्पू भैया हैं, गप्पू भैया की बात सुन लीजिए, गप्पू भैया कितनी गप्पे इनके पिटारे में तो टूटी। अरे बताओ ना टूटी भैया, सावरकर जी सबसे ज्यादा विरोध करते थे तो गांधी जी का करते थे, गांधी जी से उनके मतभेद थे, गांधी जी को तो पाखंडी भी कहा करते थे, गांधी जी को टूटी चोरा के सावरकर जी पे ज्ञान देंगे बताइए, ये अपरपक्क है। गांधी जी का तो उन्होंने कभी सम्मान नहीं किया, और आज गांधी जी तो हमेशा हिंसा के खिलाफ रहे हैं, वो तो अहिंसा की बात करते रहे हैं। तो सावरकर जी ने कौन सी हिंसा कर दी? देखिए मैं तो इतिहास की बात करता हूँ, और इतिहास कभी झूठ नहीं बोलता भाई। डॉक्टर संबित पात्रा हैं यहाँ पे, हमारे गप्पू भैया जरूर हैं, ये गप जरूर मारते हैं, लेकिन डॉक्टर हैं, ये तो झूठ नहीं हो सकता, डॉक्टर ही रहेंगे। लखीमपुर की घटना को लेकर आज तक पर डिबेट हुई। संबित ने अपने जवाब में कांग्रेस पार्टी की आलोचना करनी शुरू कर दी, जिसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता ने संबित की क्लास लगा दी। कार्रवाई करने में अगर चूके हो तो, और ये कह रहे हैं इनके नेता बहुत बड़े विश्व के हीरो हैं जी, अपमान कर दिया देश का अमेरिका जाकर, शर्म के मारे सर झुक गया है कि हिंदुस्तानी का, इतने बड़े नेता कि उनको लेने भी कोई सचिव आए और सी ऑफ करने भी कोई सचिव आए, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। बख्शो इस नेता से विश्व में, हमारे भारत को बख्शो, इस नेता को जितना जल्दी हटाओ उतना फायदा होगा भारत को। भारत का सर झुका दिया है प्रधानमंत्री ने अमेरिका में, और कह रहे मेरा नेता बड़ा है, पसीना बहाता है, उनको बोलो पसीना बहाना बंद करें, तो तबाह करना बंद करो, बीच में बोलना भी बंद करो। रही बात सिंधिया जी की, उनका बेटा अब आपके साथ, अगर उसने आरोप लगाया हो, मिस्टर धमकी पात्रा शांति से सुन लो, अगर राजेश पायलट के बेटे ने आरोप लगाया हो तो बात करो, मिस्टर धमकी पात्रा मत कीजिए, ये मत कीजिए, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मत कीजिए दर्शन, जो किया ना उसका मैं जवाब दूंगा, धमकी दे रहे थे कि मेरा मुंह बंद कराओगे मैं जवाब दूंगा, लेकिन हरेन पांड्या की पत्नी ने आरोप लगाया आप लोग प्रधानमंत्री। आपसे निवेदन, लखीमपुर के मुद्दे पर इंडिया टीवी पर हुई डिबेट में संबित ने राहुल गांधी की आलोचना करनी शुरू की, तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने इसका करारा जवाब दिया। देखिए राहुल गांधी जी बहुत कोशिश और मेहनत करने के बाद कांग्रेस पार्टी को 6% पर ला पाए थे, अब क्या प्रियंका जी कोई चमत्कार कर देंगी, ये तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ही बता पाएंगे। सहमत हूँ मैं संबित से कि बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की, और ये तो सारी के सारी मुट्ठियां इनकी खुली गई हैं, ऑलरेडी 2014 से खुली हुई हैं, और अब सारे के सारे लोग जो हैं मोदी जी की भी मुट्ठी देख लिए हैं। तो मैं जो सबसे बड़ी बात है यहां पर कि आप लोग कुछ भी कहते रहिए कि आप कह रहे हैं कि साहब प्रियंका गांधी जी का लॉन्च पैड है, सच बात है तो वो तो हेलीपैड बनाया गया था केशव मौर्य जी के लिए, और उस हेलीपैड के ऊपर थार की मार हुई, लहूलुहान किसान हुआ, और उसके बाद उस किसानों के लहू से भारतीय जनता पार्टी ने अपने लॉन्च पैड को जो मजबूत करने का कुत्सित प्रयास किया उसका विरोध करने अगर प्रियंका गांधी जी जा रही हैं, तो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को परेशानियां हो रही हैं। आज तक पर लखीमपुर की घटना पर सवाल अंजनोम कश्यप ने संबित पात्रा से किया, जिस पर वे जवाब गोलमोल देने लगे, लेकिन अंजना ने संबित को सही से जवाब देने को कहा। संबित जी एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ, देखिए सियासत का तो यही दस्तूर है ना, मान लीजिए लखीमपुर खीरी में कोई घटना हुई है तो आपके जो अन्य मुख्यमंत्री हैं वो वहाँ थोड़ी धरना देने जाएंगे, या नड्डा जी वहाँ थोड़ी जाएंगे धरना देने के लिए, वो तो कांग्रेस शासित राज्यों में आप लोग क्यों नहीं जाते, आप जाइए, अगर आपको आवाज उठानी है वहां पर दलितों की आवाज बुलंद करनी है तो जाइए ना राजस्थान, मेहनत आप मत कीजिए और कहिए कि ये लोग उस पर नहीं बोल रहे हैं, कोई क्यों बोलेगा, नड्डा जी जाएंगे क्या लखीमपुर खीरी। देखिए अंजना जी, सिलेक्टिव आउटरीच, ये जो चयनात्मक आउटरीच होता है इसका अर्थ ये नहीं है कि कौन कहाँ गया, इसका एक वाइडर पर्सपेक्टिव होता है, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए देश को क्षेत्र, जाति और धर्म के आधार पर बांट करके ये निर्णय करना कि कौन से विषय को, कौन से दुर्घटना को आगे दिखाना है और कौन से दुर्घटना को दबा जाना, विपक्ष तो सिलेक्टिव बिल्कुल एंटी हिंदू है, नहीं अगर ये सिलेक्टिव हो सकते, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सिलेक्टिव थे, तुष्टिकरण वाले थे, तभी तो उनका ये हश्र हुआ है। आप संबित किन डिबेट्स पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू
you like our channel, please subscribe. And to get notifications about news, please click the bell icon.